जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गुड लक। आज के गुड लक में हम आपको राशिफल बताएंगे, साथ में बताएंगे आपको लकी टिप, और आज के महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं पुराने कर्जों से कैसे हो छुटकारा, किस प्रकार से आपके कर्जे हो जाएं समाप्त, और साथ में बताएंगे आपको बर्थडे विश। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपका ही अपना खास कार्यक्रम आज का गुड लक। कुंडली में कहते हैं छठा भाव भी कर्जे को बताता है। द्वादश में कोई ग्रह ऐसा बैठा हो या युति ऐसी बैठी हो जो ग्रहण योग बना रही हो, जिसके कारण कि आप जितना कमाते हो वो सब आपका कर्जे में ही चला जाता है। कभी कभी घर के अंदर ईशान में कुछ ऐसा सामान रख देते हैं जिसकी वजह से भी कर्जा बढ़ता रहता है, या आपके घर के नल टपकते रहते हैं, या ऐसी तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जिनको करने से आप अपने घर में कर्जों से कम मुक्ति पा सकते हैं। क्या करें, कैसे करें, लाइव आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आपका भी कोई प्रश्न है, अपनी जिंदगी से किसी भी बात के बारे में पूछना चाहते हैं, तो हमारे से कॉल करके बात कर सकते हैं। बस कॉल लगा, आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। 14 जून 2019 दिन शुक्रवार, स्वाति नक्षत्र द्वादशी शुक्ल पक्ष। योग की बात करेंगे, शिवा योग है और चंद्रमा का भ्रमण वृश्चिक राशि में रहने वाला है। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। बात करते हैं गोचर में आपकी राशि। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज संकेत निकल कर आता है कि आपकी चिंताएं कम होने से आपको काफी राहत मिलने वाली है, का आप अनुभव भी करेंगे, इससे आपका मनोबल बढ़ जाएगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, गुलाबी और 9 नंबर है आपका लकी। बात कर लेते हैं वृषभ राशि, भाई शुक्र की राशि है, आप व्यय अधिक करेंगे तो उससे परेशानी आपको बढ़ेगी। अच्छा, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन अवश्य लगता दिखाई दे रहा है, अच्छी सेहत का भी आनंद ले पाएंगे, क्रीम रंग आपके लिए शुभ है। और 34 नंबर है आपका लकी। मिथुन राशि की बात करते हैं, आज नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे, मेहमानों के आने का आगमन है, निवेश करने के लिए अच्छा समय भी व्यतीत हो रहा है, तो तोतिया रंग आपके लिए सुबह। 42 नंबर आपका लकी। बात कर लेते हैं कर्क राशि, राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, खान पीन का संतुलन बना के रखें, नौकरी में तरक्की व स्थानांतरण का भी योग है। पिंक रंग आपके लिए सुबह और 12 नंबर आपका लकी। सिंह राशि की बात करते हैं, आज मौत मस्ती के साथ समय बीतने वाला है, उच्च अधिकारी से तालमेल अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। लाल रंग आपका सुबह और 5 नंबर है आपका लकी। कन्या राशि की बात करते हैं, आपको शेयर या प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, आपका आकर्षण बढ़ सकता है, दाम्पत्य जीवन मधुर रहने वाला है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं हरा और 5 नंबर है आपका लकी। बात करते हैं आज के हमारे पहले कॉलर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश जी सुन पा रहे हैं मैं आप? जी बताएं डिटेल। कुमार साहब है, डिटेल जी बताएं, डिटेल बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/3/1975। 4/3/1975, समय और स्थान बताइए। समय 8:30 रात का। कहाँ का जन्म है? ये बिहार, बांका बिहार। क्या जानकारी चाहते हैं? यही जो आप अभी देख रहे थे वो मतलब कर्जे वाला जो है वो मतलब प्रॉब्लम रहता है। देखिए सूर्य आपकी कुंडली में अवश्य यहाँ पर जैसा हमको बता दें छठे भाव में बैठे हैं और बुध के साथ नहीं बैठे, बुध आदित्य योग नहीं बना, मंगल बुध की युति है, कन्या लग्न की कुंडली आपकी, और महादिशा की बात कर लेते हैं तो इस समय महादिशा आपकी सूर्य की ही चल रही है 18 से लेकर 24 तक। अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं हो जितनी आप दूसरों की दी हुई परेशानी से परेशान हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपने घर का जो
गल्ला है इसका मुंह उत्तर की तरफ रख दो, कंपास लो, आजकल मोबाइल में भी आ जाता है, लोड हो जाता है, 15 से 18 डिग्री इसका मुंह कर दो कुबेर की तरफ, बस। और दूसरा काम क्या करना है, जो काम करो किसी को बताओ नहीं जब तक पूरा काम ना हो, ये आपने अपने विचारों में ही रखना होगा, तब तो मिलेगी आपको तरक्की और आपके कर्जे धीरे धीरे मुक्त भी होंगे। उपाय बड़ा सरल बताए थे, 9 मंगलवार तक लगातार चोला प्रदान करो, जय श्री। चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हुमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर जी, जी बताएं डिटेल। मैं बोल रहा, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताइए डिटेल बताइए। मेरा बेटे का जन्म है, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए सर, 5 टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए नहीं तो कॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। कम कर क्या, हेलो टीवी का वॉल्यूम, हाँ 5 जी, 5/6 जी, 2004 5/6/2004 समय और स्थान बताइए। समय 9:30 का है, शनिवार का सुबह का समय है। कहाँ का जन्म है? लातूर। क्या जानकारी चाहते हैं बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ उसका आगे का फ्यूचर, तय अभी 10th क्लास में जा रहा है, गया है, तो आगे कैसा चल रहेगा। बिल्कुल, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की तृतीय, कृष्ण पक्ष शुक्ल योग की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है, लगन के स्वामी की बात करेंगे तो लगन के स्वामी यहाँ कुंडली में 6 भाव में रहते हैं। सर्दी जुखाम से बचा के रखना है इनको, इनको कफ विकार वात के साथ रहने वाला है तो कुछ खाने पीने की चीजों को थोड़ा बचा के रखना होगा। महादशा जिस समय इनकी चल रही है वो महादशा इनकी कुंडली में सूर्य की चल रही है, सूर्य नारायण को जल जला दिलाओ इनसे, एक हृदय आदित्य स्त्रोत्र से अभिमंत्रित कराकर सूर्य का यंत्र घर के ईस्ट में टांग दो और एक बार अग्नि का वास देखकर अपने घर में नवग्रह का हवन कराओ, जीवन का उज्जवल होगा। जैसे टीवी का वॉल्यूम कम नहीं किया था, हम सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं जब भी आप हमसे बात करें, लाइव शो है ये, इसमें हम आपसे सीधी बात करते हैं, कृपया इसको फोन के माध्यम से ही सुनने का प्रयास करें, टीवी के माध्यम से सुने ना। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनीता जी सुन पा रहे हैं मैं आप? हेलो जी बताएं डिटेल बताएं। जी मैं सुनीता बात कर रही हूँ। जी बताइए। नमस्कार पंडित जी, कल्याण हो जी आपका। पंडित जी मैं मेरे बारे में जानना चाहती हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/1/1973 जी। टाइम है दोपहर का 2 बजे का। कहाँ का जन्म है? ये मतलब नासिक डिस्ट्रिक्ट मालेगांव जी। क्या जानकारी चाहते हैं बताइए। फ्यूचर के बारे में और हेल्थ के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरा आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा और मेरा हेल्थ और मेरे बच्चों का मतलब संतान सुख है कि नहीं मेरे मतलब। आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी संतान अभी नहीं हुई है ना? नहीं नहीं है ना, मतलब दोनों अभी शादी लायक लड़की है तो उसकी शादी का मतलब इजीली हो पाएगा या मुझे तकलीफ होएगा वो सब जानना। बिल्कुल आपको बताते हैं, यहाँ पर कुंडली में एक बात बताएं आपको, आपको मानसिक परेशानी क्या रहती है, दिमागी टेंशन रहती है समय? हाँ है, टेंशन है मुझे, क्योंकि आपकी कुंडली के राहु बुध शुक्र और गुरु अष्टम भाव में है और सप्तम भाव में आपके मंगल है, चंद्रमा केतु के साथ है आपकी कुंडली में, स्वाभाविक हो गया कि सातवीं दृष्टि से हैं यहाँ पर और वो द्वितीय भाव में हैं। और महादशा इस समय आपकी चल रही है वो चल रही है बुध की। सबसे आसान उपाय बताते हैं, पहले आप सबसे पहले उपाय कीजिए जिससे कि आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। एक काम कीजिए, 1.25 किलो मूंग लीजिए, एक हरा कपड़ा लीजिए और किसी किन्नर को भेंट दे दीजिए 50 रुपए के साथ। 5 बुधवार इस उपाय को कीजिए और गुरुवार के दिन 1 घंटी पीले कपड़े में बांधिए और मंदिर में लगवा दीजिए, वो भी देवी का मंदिर होना चाहिए, 9वीं का दिन हो शुक्ल पक्ष। अभी आने वाले समय में 9 तारीख के आसपास आपको मिलेगी, इसमें मिलेगी आपको भंडली 9वीं। जय श्री कृष्ण। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरविंदर जी सुन पा रहे हैं मैं आप? हाँ जी नमस्कार पंडित जी, कल्याण जी आपका। अच्छा पंडित जी, मैं ना अपने बेटे के बारे में पूछना। जी बताइए। हाँ बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 24/10/1988 24/10/1988 समय सुबह 7:05 कहाँ का जन्म है?
बठिंडा पंजाब। बठिंडा पंजाब, क्या जानकारी चाहते हैं बताइए। पर जी उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, या उसका जीवन कैसा होगा, 30 साल का हो गया शादी शुदी हुई नहीं, और उसका काम कैसा चलेगा, काम अभी क्या काम करता है बेटा। प्लेसमेंट, नौकरी नौकरी लगाना लोगों को, प्लेसमेंट का काम, प्लेसमेंट का काम करता है। कहाँ तक पढ़ाई करी है इसने? पढ़ाई तो बीए तक ही है। बिल्कुल आपको बता देते हैं यहाँ पे कब इनकी अच्छा काम चलेगा और विवाह का योग कब बनेगा। शुक्र केतु की युक्ति इनकी कुंडली में देखने को मिली। एकादश भाव में तुला लगन की कुंडली है, लगन में सूर्य भी हैं। और आपको बता दें मंगल चंद्रमा की युक्ति छठे भाव में, जबकि महादिशा कुंडली में जो चल रही है वो इस समय शुक्र की चल रही है। सरल उपाय बताते हैं, किसी छोटी कन्या को सप्तमी के दिन पजेब और पोशाक भेंट दो। किसी माता रानी के मंदिर में नियम बनाकर वहां पर आप ज्योत जलवाओ। कम से कम यहाँ पर 27 शुक्रवार ज्योत जलो। ऐसा करने से आपकी विवाह का योग के बच्चे की बहुत जल्दी बनेगा, साथ में इसकी जो कारोबार है उसमें भी तरक्की मिलेगी। एक शुभ लाभ यंत्र स्थापित करा के लगा देना, ये इसको लगाना आप ये जुलाई के पहले हफ्ते में लगा देना। जय श्री कृष्ण। एक अब लेते हैं अब छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कर्जों से कैसे मिले मुक्ति, क्या है वो सटीक उपाय बताएंगे महा उपाय में छोटे से अंतराल के बाद। एक छोटे से अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं बर्थडे विश की। आपका आपके परिवार में आज के दिन जन्मदिन है तो आपको हमारे चैनल की तरफ से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्मदिन के दिन व्यक्ति को पूरे साल भर की कुंडली बना देखने को मिलती है। जब ये कुंडली बनती है तो इसको अच्छा ही मानना चाहिए ताकि आपका साल अच्छा गुजरे। शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो श्रीयंत्र का भाई श्रीयंत्र की स्थापना कर लो, गाय के दूध से इसको अभिषेक करो और जल से वो पूरे घर में उस जल को छिड़क दो। क्या होगा इससे? इसके बाद कमल गट्टे की माला रखो तिजोरी में, जल्दी ही आपको धन आने के स्रोत खुलते रहेंगे। आपकी वर्ष कुंडली किसी भी प्रकार के दोषों से अगर मिली है तो कम से कम आपके पास धन की कमी तो नहीं होने वाली। ये बड़ा सटीक उपाय है जन्मदिन के दिन कर लेना, हमारी तरफ से तोहफा है आपको। बात करते हैं तुला राशि की। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहने वाला है। अच्छा, व्यय की अधिकता से कुछ मन परेशान हो सकता है, थोड़ा खर्चा कंट्रोल करो। चमकीला रंग आपके लिए शुभ है और 7 नंबर है आपका लकी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। भाई मंगल की राशि है, पड़ोसियों से अच्छे संबंध होते दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में क्या होती है, कभी कभी गलत फहमी हो जाती है तो इससे नेगेटिव एनर्जी होती है। विचार में ना आने दो, मन में आने ही नहीं दो नेगेटिव थॉट। लाल रंग आपके लिए शुभ है, 7 नंबर है आपका लकी। बात कर लेते हैं गुरु की राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आज कार्यालय में पदाधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। परिवार में हर्ष उल्लास का वातावरण बना रहेगा। पीला रंग आपके लिए शुभ है, 3 नंबर है आपका लकी। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज जीवन साथी आपके साथ अनुकूल रहने वाला है। भाग्य का भरोसा ना करें, परिश्रम के ही कार्य सफल होंगे। नीला रंग आपके लिए सुबह और 3 नंबर है आपका लकी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज क्या संकेत है? ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती दिखाई दे रही है। मित्रों की सलाह आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। शुभ रंग है बैंगनी और 21 नंबर है आपका लकी। बात कर लेते हैं आज की अंतिम राशि मीन राशि की। आज शाम मान सम्मान बढ़ सकता है आपका, इसकी प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति आदि के प्राप्त होने के भी योग दिखाई देते हैं। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पीला और 5 नंबर है आपका लकी। चलिए बात कर लेते हैं कुलदीप जी हमारे साथ अगले कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार। कल्याणो जी आपका। पंडित जी नमस्कार। कल्याणो जी आपका बताएं, डिटेल बताएं। जी 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 सर, मैं पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मैं कुलदीप बोल रहा हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर, अपने बारे में पूछना सर। 25 दिसंबर 1996 है। समय और स्थान बताइए। सर समय रात को 11 बजे और स्थान है देहरादून। अभी आप कहाँ से बोल रहे हो? सर अभी तो मैं रुड़की से बोल रहा हूँ। अच्छा। पर मैं देहरादून में निवासी हूँ सर। देहरादून के निवासी हो? जी सर। क्या जानकारी चाहते हैं बताइए। एक्चुअली सर मैं जानना चाह रहा था, मैं गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ,
तो मैं कभी मतलब एक नंबर या दो नंबर से ही फेल होता हूँ नौकरी में। अभी फिलहाल मेरा सब इंस्पेक्टर में हुआ था, तो मैं मेडिकल में मुझे री मेडिकल मिला है ओवरवेट के कारण। तो मैं ये पूछना चाह रहा था मेरा मेडिकल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट में मेरा नाम आ जाएगा सर, थोड़ा सा कुछ संभावना क्या लग रही है आपको सर? बिल्कुल देख लेते हैं, यहाँ पर मंगल राहु जाएंगे तो आप इसी लाइन में ये, क्योंकि आपके पास प्रबल योग है, थोड़ी मेहनत करनी होगी आपकी और थोड़ा सा आपको ईश्वर के प्रति और आस्था बढ़ानी होगी। यहाँ पर आप थोड़ी सी अपने कॉन्फिडेंस लेवल हाई कीजिए, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए, जिससे कि आपका ऑरा भी बहुत अच्छा हो, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन में आपको सहायता मिले। करना क्या है यहाँ पर आपको उपाय, बहुत सरल उपाय बताते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे योग हैं आपके बने हुए। कुंडली देखते हैं तो इस समय महादिशा भी आपकी शनि की चल रही है और उसमें अंतर दिशा जो आई हुई है, इस समय 25 जुलाई तक जो केतु की है, उसके बाद ये योग आपका प्रबल होगा। एक उपाय करना, 5 शनिवार तक कटोरी में सरसों का तेल लेना और पात्र सहित दान देना, थोड़े से उड़द और काले तेल डालकर अपना चेहरा देखना, 1 रुपया का सिक्का डालना, पात्र सहित दान देना। 5 शनिवार कर लो इस उपाय को, उसके बाद अगर आप सफल होते हैं तो इस उपाय को और भी करना। जैसे चलिए एक और कॉल आ रहा है हमारे साथ लाइन पर, सुरेंद्र कौर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो पंडित जी नमस्कार। कल्याण हो जी आपका। हेलो हाँ जी पंडित जी, मेरे हस्बैंड का ना प्राइवेट जॉब थी जी, हाँ जी, और वो काम छूट गया, अब कोई काम की उम्मीद नहीं है और कोई हमारा बिजनेस है नहीं, तो इनके काम के बारे में पूछ रहे थे और इनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे को मालूम नहीं है। क्या क्या काम करते थे? और आप ये ऐसी गाड़ी का काम है इनको, मिस्त्री का काम है इनका। जी जी, क्या नाम है इनका? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह, एक काम करो आप, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, एक काम करो आप, कल शनिवार के दिन से आप करना, आज खरीद लेना शाम को 1 सरसों के तेल की बोतल खरीद लेना और अपने घर के साउथ में, साउथ ईस्ट कोने में, यहाँ पर 43 दिन लगातार एक दीपक लेना, वो लगातार जलाओ। और दूसरा उपाय क्या करना है, 1 मुट्ठी काले उड़द काले तिल, ये अपने सिर के ऊपर से उतारो और साथ में एक छतरी के साथ और थोड़ा सा गुड़ रखकर किसी को दान दो, ये लगातार देते रहो, कम से कम आप 19 शनिवार तक देते रहो, कारोबार आपका अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण। चलिए कॉल कॉलर है मेरे साथ लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी सुन पा रहे हैं मैं आप? हाँ सर नमस्ते बाबा, नमस्ते। कल्याण जी आपका बताएं डिटेल। बाबा जी हम लोन का काम करते हैं और हेलो जी, ग्लू का काम करते हैं, ग्लू नहीं नहीं लोन का काम, लोन का काम करते थे बाबा जी, सब काम सही चलता था, अब नहीं हो पा रहा हमसे, दुकान नहीं लोन का। हाँ कितने टाइम से सर? हो गया होगा 15-10-12 साल से करते थे, अब हम 2 साल से बहुत परेशान हैं, कर्ज में बहुत डूब गए हैं। डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? नहीं हम डेट ऑफ बर्थ नहीं आते हम, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आप ये बताइए जिस घर में रहते हो वहाँ कितने टाइम से रहते हो? अभी हम जन्म से हैं। जन्म से हैं। इसका मुख्य द्वार कहाँ पे है, कौन सी दिशा का है इधर? ये 10 पूरब आएगा सर। पूरब है, पूरब और उत्तर के बीच में क्या बनाए हो आप? बनाए सर आप थोड़ा लाटरी में, हमको मालूम नहीं सर पूरब दक्षिण में। अच्छा नहीं मालूम नहीं हमको, जहाँ से सूरज निकलता है इसके उल्टे हाथ की तरफ क्या बनाया घर में? तो सर वहाँ उल्टे हाथ में सर वो शनि देवता का पूजा, वो मंदिर है। मंदिर है, बस एक काम करो आप, शमी का पेड़ है, शमी का विष्णु जी का, शंकर जी का। अरे शमी का पेड़ तो यहाँ नहीं लगाना था, शमी का पेड़ गुरु और केतु की जगह लगा दिया आपने, इसको लगाना था तो पश्चिम में लगाते, शनि के स्थान में लगाते, वहाँ ही फलीभूत होता। बड़ा पेड़ है क्या? बहुत बड़ा पेड़ है? नहीं छोटा पेड़ है भगवान जी का सन। हाँ इसको आप पीछे लगाओ, पश्चिम की दिशा में लगाओ, बस यही करके देखो। और यहाँ पर पीला बल्ब या गाय के घी का दीपक जलाया करो, नियमित रूप से जलाया करो। पीला बल्ब लगाए। हाँ तो शनि का पौधा हटा दो ना यहाँ से, शनिदेव को यहाँ से नहीं बैठाओ, शनिदेव को पीछे बैठाओ, पश्चिम में बैठाओ, वो स्थान परेशान है बहुत ज्यादा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जहाँ पश्चिम में स्थान है शनिदेव का, वहाँ पर बैठाओ, वो वरुण देवता का भी स्थान है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, पीछे कर दीजिए। और गाय के घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए, कम से कम यहाँ आप 50-54 दिन जलाते रहें, उसके बाद हमें फोन करना, कोई समस्या होगी तो ठीक करेंगे। जय श्री कृष्ण। चलिए अब बात
करते हैं आज के महा उपाय की जो हम आपको बताने वाले हैं। शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में 5 कौड़ियां तथा केसर, अच्छा 1 चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख लो। इससे क्या होगा भाई, घर में धन आना शुरू हो जाएगा और पुराने कर्जे हैं इससे समाप्त हो जाएंगे। कर लो, बड़ा सरल और सटीक उपाय है ये। क्या कहता है लकी टिप, शुक्रवार को 2 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन या खीर खिलाएं। अच्छा, साथ में दक्षिणा और पीले वस्त्र देकर विदा करो, करके देखो माँ की कृपा होगी, कर्जों से जल्दी मुक्ति मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं, एक नए महा उपाय को लेकर आएंगे, नया गुड लक टिप बताएंगे आपको जो हम आपको हर बार बताते हैं। अगर आप बने रहें समाचार प्लस के साथ, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण।